आध्यात्मिकता वाली आत्मा वर्तमान में ये अभिमान वाली है या आत्मा अभिमान वाली है? प्रजा पिता वाली आत्मा भी दे अभिमान में रहने वाली है, तमो प्रधान है। तमो प्रधान कामी कांटे में ही सेवात है, तो प्रधान में नहीं आता है। केवल ज्ञान देने वाला है, थ्रू देता है। किसके थ्रू देता है? प्रजा पिता ब्रह्मा दो आत्माएं हैं, राम कृष्ण वाली आत्माएं जिनके द्वारा देता है। तो राम और कृष्ण वाली दोनों ही आत्माएं स्त्री चोला है या पुरुष चोला है? पुरुष चोला है। कन्याओं माताओं के मुख से ज्ञान सुनाया जाता है, उसे कल्याण होता है, या पुरुषों के मुख से ज्ञान सुनाया जाता है उससे कल्याण होता है? कल्याण अभी कल्याण तो नहीं हुआ, अभी कहे कि कल्याण हुआ नहीं। ब्राह्मण परिवार का अभी भी सामूहिक रूप में देखा जाए तो कल्याण दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो ज्ञान देने के निमित्त है, चाहे वो दादा लेखराज ब्रह्मा बना हो और चाहे वो प्रजापिता हो, ये दोनों ही रूप दुर्योधन दुशासन है। ये स्त्री चोले में नहीं है, इनको गौ मुख नहीं कहा जा सकता। मुरली में बोला है कन्याओं माताओं के मुख से ज्ञान सुनना और सुनाना, ये दो बातें की है। क्यों? क्योंकि सड़क का गेट खोलने के निमित्त कौन बनती है? पुरुष बनते हैं या कन्या माता बनती है? तो जो बनती है उनको ही निमित्त बनना चाहिए, लेकिन जो कन्याओं माताओं में मुख्य कन्या है 100% पवित्रता की देवी, वो है कन्याकुमारी। और वो कन्याकुमारी का आवाहन अभी तक भी नहीं हुआ है। तो जो योग्य है उसका आवाहन हुआ नहीं, इसलिए बाप को कहना पड़ता है मेरे न फूल, क्या क्या कहना पड़ता है मेरे न फूल, तो इससे दोस्ती कर ली बोलो ना। अरे मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, विजय माला के फूल नहीं मिले एडवांस ज्ञान सुनने के लिए, उच्च स्तर का ज्ञान सुनने के लिए विजय माला के फूल नहीं मिले उसको, तो किससे दोस्ती कर ली? जो दुनिया के बड़े से बड़े कांटे हैं, भारत के राजाएं महाकामी बनकर के जिन्होंने संसार के सामने अपना व्यवहार पेश कर दिया, हिस्ट्री में प्रसिद्ध हो गए, इस्लामी फिर भी चार अवसर रखे हैं, हिंदुस्तानी राजाओं ने कितनी रखी? सैकड़ों की तादाद में रानियां रखी, पेट ही नहीं भरता।
तो कितने भिखारी हुए, कितने से भिखारी हुए। अब जितने बड़े भिखारी उतने बड़े कांटे बनेंगे या फूल बनेंगे, क्या बनते कांटे ही बनते। तो बड़े से बड़े कानी कांटे में प्रवेश करता हूँ। ब्राह्मण बना हुआ है कोई को दोष नहीं है, हर बात में कहेंगे ब्राह्मण। डायरेक्शन तो दे दिया, विजय माला का आवाहन करो। पच्चीस भावा और रुक्मी दोनों है ना। हाँ जी, पच्चीस भावा माना पच्चीस जिसमें कच्ची है वो पच्चीस भावा है और रुक्मिणी है माना मणिपद्य में जो रुकमा है। लेकिन शास्त्र ने पच्चीस भावा को उसको स्वाति से दिखाया है, स्वाति से पच्चीस भावा को जांच भी स्वाति से है और रुक्मिणी स्थिति भक्ति की भावना दिखाया है शास्त्रों में। शास्त्रों में दिखाया है रुक्मिणी काश रुक्मिणी और सत्य भावना जो है वो स्वास्थ्य है।